आज हम अपनी संस्कृति को कहीं भूलते जा रहे हैं, पर अल्मोड़ा के वरिष्ठ कलाकारों के साथ बुजुर्गों ने बीड़ा उठाया है कि वो अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं और लोगों के सामने कैसे रखें। इसके लिए अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में हुड़के की थाप के साथ कुमाऊनी गीतों से ये लोग समा बांध रहे हैं। देखा जाए तो ये परंपरा अब धीरे धीरे कम होने लगी है, क्योंकि युवा पीढ़ी के लोग हुड़का बजाना और कुमाऊनी गीतों को सुनना कम पसंद करते हैं। पर नंदा देवी मंदिर में कई सालों से वरिष्ठ कलाकारों और बुजुर्गों के द्वारा हुड़के की थाप से कुमाऊनी गीतों में समा बांध रहे हैं। इस कुमाऊनी झोड़े में बुजुर्गों और महिलाओं के द्वारा कुमाऊनी गीतों में ताल से ताल मिलाई जाती है। देखिए, सबसे बड़ा इसका जो कारण है, झोड़ा चांचरी छपेली और तमाम चीज़ों का नहीं होना, इसमें लोगों की विरक्ति और लोगों का, इसमें हमारी जो आधुनिक संस्कृति है, जो आधुनिक जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो हमारे मेले हैं, कौतिक हैं, इसमें इन चीज़ों का अभाव हो गया है। ये स्वाभाविक रूप से नहीं हो रहे, सारी चीज़ें मंच में हो गई हैं, तो मंच में होने के कारण इसका स्वरूप विकृत हो रहा है। और हमारा प्रयास है कि जो हमारी परंपरागत जो हमारी झोड़ा न्योली चाचरी छपेली है, ये जीवित रहे अपने मूल स्वरूप में। इसीलिए हमारी जो टोली, हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारा मेला समिति, ना उससे, हम स्वतः स्फूर्त, हम लोग, मेरे साथी लोग, हम हर वर्ष आते हैं, हम झोड़ा गाते हैं, छपेली गाते हैं, बैर गाते हैं, भगनौल गाते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ आपके जो चैनल इसके माध्यम से, कि जिस देश की, जिस राष्ट्र की लोग संस्कृति हरा मिला जाएगी, भाषा बोली हरा मिला जाएगी, उस संस्कृति, उस देश का कभी उत्थान नहीं हो सकता। अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी मातृ बोली और हमारी लोक संस्कृति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, तो हमारी सभ्यता और हम भी समाप्त हो जाएंगे, हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हम हर वर्ष झोड़ा चांचरी छपेली उन्मुक्त तरीके से करते हैं। देखिए, जो हुड़का है, बजाते तो आजकल के सभी लोग हैं, मगर जो जागर है, जो जागर है या हुड़किया बॉल है, वो आजकल कुछ लोग बजाना जानते ही नहीं है या उन्होंने सीखा ही नहीं है, और कतराते भी हैं। जागर लगाना आता नहीं है तो हुड़का कैसे बजेगा। इसलिए मैं सारे युवाओं से ये कहना चाहता हूँ आपके ये चैनल के माध्यम से, ये उत्तराखंड को, कि हुड़का जो है, हुड़का शिव का डमरू माना जाता है, और जिससे बहुत जागर हमारा जो घर के अंदर देवताओं का आह्वान किया जाता है, उसको सीखें, उसको करें, और इससे मान सम्मान आपका काफ़ी होगा। मोहन उप्रेती जी जो हुड़के को लेकर के पूरे विश्व में छाए थे, तो मैं युवा पीढ़ियों से निवेदन करता हूँ कि वो सीखे, सीख रहे हैं। वैसे बहुत सा युवा पीढ़ी आज हमारे गांव में मैंने देखा, झोड़े चाचरी छपेली में तो बजाते हैं, मगर जो जागर है, जो बॉल है, जो भगनौल है, और जो हमारे जो वीर गाथाएं हैं, इसमें नहीं बजा पा रहे हैं। वो सीखना चाहिए इन्होंने, और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इस झोड़े के दौरान हमको एक युवा दिखा जो इस कुमाऊनी झोड़े में ताल से ताल मिलाता हुआ नजर आया। उनका क्या कहना है, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है नंदा देवी मंदिर परिसर में, यहाँ झोड़ा गाए जा रहे हैं, चाचरी से सब हो रहा है। तो मैं गांव से आता हूँ, वहाँ भी झोड़ा चाचरी कार्यक्रम होते रहते हैं, तो हमारा वहाँ ऐसा माहौल बना रहता है कि हम झोड़े गाएँ, चाचरी गाएँ ऐसे, और भजन कीर्तन करें मंदिरों में। तो उसके बाद मैं यहाँ देखा, तो मैंने यहाँ झोड़ा गा रहे थे, तब मैंने देखा, तो तभी मैं भी झोड़ा गाने चले गया, और काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा है। झोड़ा गाते अपनी पहाड़ की संस्कृति को हम लोग ऐसे इसके माध्यम से बचाए हुए हैं। आजकल की युवा पीढ़ी हुड़का और कुमाऊनी गीतों से कहीं दूर होती जा रही है, पर अल्मोड़ा के इन वरिष्ठ कलाकारों और बुजुर्गों के द्वारा इस विरासत को बचाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।